दोस्तों, क्या आप के मोबाइल में कम जीबी का रैम दिया है? सो बिना कोई ऐप डाउनलोड के आप अपने मोबाइल में जितना चाहें उतना रैम बढ़ा सकते हैं। 2 GB बढ़ा सकते हैं, 4 GB बढ़ा सकते हैं, 8 GB बढ़ा सकते हैं, आप जितना चाहें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने मोबाइल के अंदर रैम को बढ़ा सकते हैं, इसलिए आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। इसलिए मैंने जो फ़ोन लिया है, दोनों ही फ़ोन के अंदर मैं आपको रैम बढ़ा कर दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के पास अलग अलग कंपनी के फ़ोन होते हैं। सो अगर आपके मोबाइल में कम जीबी का रैम है, बार बार हैंग करता है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अगर आप जानना चाहते हो बिना कोई ऐप डाउनलोड के कैसे अपने मोबाइल में रैम बढ़ा सकते हो, ये बताने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। भाई दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कैसे अपने मोबाइल में बिना कोई ऐप डाउनलोड किए रैम बढ़ा सकते हो। इसलिए यहाँ पर मैंने जो फ़ोन लिया है, दोनों ही फ़ोन में आपको रैम बढ़ाकर दिखाऊंगा। जो भी प्रोसेस फॉलो करूंगा, वही सारे स्टेप्स आपको फॉलो करना है, तभी अपने मोबाइल में रैम बढ़ा सकती हो। सबसे पहले मैं आपको इस वाले फ़ोन के अंदर रैम बढ़ाकर दिखाऊंगा, फिर मैं आपको इस वाले फ़ोन के अंदर रैम बढ़ाकर दिखाने वाला हूँ यहाँ पर कि कैसे अपने मोबाइल में रैम को बढ़ाओगे। तो अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन कर लीजिए। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर आओगे देखिए ऑप्शन है डिवाइस केयर, हो सकता है आपके फ़ोन में ऑप्शन हो एडिशनल सेटिंग या फिर एडवांस सेटिंग के नाम से। जैसे ये वाले मोबाइल में ऑप्शन है डिवाइस केयर या फिर आपके मोबाइल में ऑप्शन होगा एडिशनल सेटिंग या फिर एडवांस सेटिंग या फिर डिवाइस केयर, तीनों में से कोई एक ऑप्शन ज़रूर से होगा। डिवाइस केयर ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक ऑप्शन है मेमोरी सिलेक्ट करना है। मेमोरी सिलेक्ट करने के बाद जैसे ये चेकिंग हो रहा है, फिर नीचे देखिए ऑप्शन है रैम प्लस, और यहाँ पर रैम प्लस के ऊपर क्लिक करना है, और ये सेटिंग यहाँ पर देखिए ऑफ है, जो ये सेटिंग ऑन करना है। जैसे आप ये सेटिंग ऑन करोगे, यहाँ पर देखिए 2 GB बढ़ा सकते हो, 4 GB रैम बढ़ा सकते हो, 6 GB बढ़ा सकते हो, लेकिन याद रखिए यहाँ से जितना भी आप रैम बढ़ाओगे उतना आपके मोबाइल में स्टोरेज खाली होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर 6 GB रैम बढ़ाते हो, आपके मोबाइल में 6 GB का स्टोरेज होना चाहिए, तभी आप यहाँ से ये रैम बढ़ा सकोगे। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 6 GB। 6 GB करने के बाद यहाँ से देखिए जैसे ये 6 GB है ना, हो सकता है आपके मोबाइल में ऑप्शन हो 8 GB का भी, हो सकता है 10 GB तक का भी, हो सकता है 16 GB तक का भी हो सकता है। फिर यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन है रिस्टार्ट, और यहाँ पर रिस्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। एक बार यहाँ पर मोबाइल रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होने के बाद ये इफेक्टिव होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यह प्रोसेस फॉलो करना है, और याद रखिए जितना GB आप यहाँ पर रैम बढ़ाओगे उतना स्टोरेज आपके मोबाइल में खाली होना चाहिए, तभी आप यहाँ से रैम बढ़ा सकते हो बिना कोई ऐप डाउनलोड किए। तो यहाँ पर जैसे ये मोबाइल रिस्टार्ट हो रहा है, एक बार यहाँ पर यह रिस्टार्ट हो जाए, फिर मैं आपको चेक करके भी दिखाऊँगा रैम बढ़ा या फिर नहीं बढ़ा। अगर आपका मोबाइल हैंग करता है, लैग करता है, अगर आप यहाँ पर इस तरीके से रैम बढ़ाओगे, कभी भी आपका मोबाइल हैंग नहीं करेगा, लैग नहीं करेगा। और ये वर्चुअल रैम है जो कंपनी के तरफ से पहले से दिया होता है, बस आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मोबाइल रिस्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर स्क्रीन लॉक पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। स्क्रीन लॉक पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया, ये देखिए फ़ोन स्टार्टिंग। कुछ सेकंड यहाँ पर यह फ़ोन लोडिंग होगा, आपको वेट करना होगा। चलिए मैं आपको सेटिंग में लेकर दिखाता हूँ। तो यहाँ से सेटिंग में आते हैं, सेटिंग में आने के बाद वापस से हम इस सेटिंग में आएंगे, डिवाइस केयर, फिर यहाँ से मेमोरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखना जैसे ये चेकिंग हो रहा है, नीचे देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पर अपडेट योर फ़ोन रैम प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर देखिए 6 GB रैम बढ़ चुका है। इस तरीके से अपने मोबाइल में रैम को बढ़ा सकती हो। अगर ये सेटिंग आपके मोबाइल में नहीं है, मैं आपको दूसरा ट्रिक बताऊंगा जो मैं आपको इस वाले मोबाइल के अंदर बताऊंगा। अगर आपके मोबाइल में ये सेटिंग नहीं है, जो दूसरा तरीका बताऊंगा इस वाले मोबाइल के अंदर करके दिखाऊंगा, जो आपके मोबाइल में 100% होगा, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा रैम बढ़ चुका है 6 GB, अभी मैं आपको इस वाले मोबाइल के अंदर रैम बढ़ाकर दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सेटिंग ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग ओपन कर लीजिए। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर जैसे आओगे देखिए ऑप्शन अबाउट डिवाइस, या फिर आपके मोबाइल में ऑप्शन होगा यहाँ पर एडिशनल सेटिंग या फिर एडवांस सेटिंग, ठीक है। कुल मिला के यहाँ से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए नीचे ऑप्शन है रैम, इसमें भी ऑप्शन है रैम, रैम के अंदर ऑप्शन है रैम प्लस, तो यहाँ से रैम सिलेक्ट करना है। रैम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन है रैम एक्सपेंशन, और ये सेटिंग ऑफ होगा, ये सेटिंग आपको यहाँ से ऑन करना है, ठीक है। इसमें क्या ऑप्शन है, इस वाले फ़ोन में रैम प्लस, और ये वाले फ़ोन में ऑप्शन है रैम एक्सपेंशन, ठीक है। ये सेटिंग ऑन करना है, नीचे यहाँ पर एक एक्सपेंड बाय
3 GB बढ़ा सकते हो, 5 GB बढ़ा सकते हो, 7 GB बढ़ा सकते हो। जैसे इस वाले मोबाइल में ऑप्शन है 7 GB तक का, यहाँ पर मैं इसे 7 GB कर लेता हूँ। फिर नीचे यहाँ पर देखिए, दिस सेटिंग विल बी टेक इफेक्ट आफ्टर यू रिस्टार्ट योर फोन। आपको एक बार यहाँ पर मोबाइल रिस्टार्ट करना होगा। चलिए मैं यहाँ पर रिस्टार्ट करके आपको फिर दिखाता हूँ चेक करके भी। तो रिस्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, ये वाले फ़ोन में ऑप्शन है रैम प्लस के नाम से, और इसमें ऑप्शन है रैम एक्सपेंशन। बस ये सेटिंग जो नेम है थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये प्रोसेस सेम है। सभी मोबाइल के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा रैम बढ़ाने के लिए। रैम प्लस होगा या फिर रैम एक्सपेंशन होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, उससे आपको फॉलो करके ये सेटिंग कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर एक बार ये रिस्टार्ट हो जाए, फिर मैं आपको चेक करके भी यहाँ पर दिखाऊँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर यह रिस्टार्ट हो रहा है, वेट करना होगा, वेट करते हैं। एक बार यहाँ पर यह रिस्टार्ट हो जाए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर रैम बढ़ा या फिर नहीं बढ़ा। तो कोई भी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक सेटिंग ज़रूर से आपके मोबाइल में होगा। रिस्टार्ट हो चुका है, पासवर्ड एंटर कर लेते हैं, स्क्रीन लॉक पासवर्ड। वापस से यहाँ पर आते हैं सेटिंग में, सेटिंग में आकर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से आते हैं अबाउट डिवाइस, और यह रहा रैम। यहाँ पर देखिए रैम के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए सेटिंग ऑन हो चुका है। यहाँ पर देखिए 7 GB बढ़ चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर देखिए 12 GB रैम इसमें पहले से था, और यहाँ पर देखिए प्लस 7 GB रैम यहाँ पर बढ़ चुका है, यानी टोटल यहाँ पर 19 GB रैम हो चुका है। इस तरीके से अपने मोबाइल में रैम बढ़ा सकती हो बिना कोई ऐप डाउनलोड किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, ज़रूर से वीडियो पर लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।